स्टॉक जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे क्या होने वाले हैं कल के दिन के सपोर्ट, क्या होंगे टारगेट्स और क्या स्ट्रेटजी हमें लेकर चलनी चाहिए 23 दिसंबर के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लोजिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो 1447.50 रुपये पर हमें देखने को मिली, करीबन 0.40% की मामूली यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो शानदार डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर हमें स्टॉक में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो अब डिस्कशन करते हैं क्या होने वाले हैं इसके चार्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके सामने HDFC बैंक का हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है और लगातार स्टॉक में गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर 1447.50 रुपये पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है और आज की कैंडल देखिए यहाँ पर रेड बियरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी। HDFC बैंक में अगर हम बात करें सपोर्ट्स की तो नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी बरकरार है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों। सपोर्ट है 1414.41 रुपये का सपोर्ट। इस सपोर्ट पर बिल्कुल आपको नज़रें बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 1400 रुपये की तरफ लुढ़कता हुआ नज़र आने वाला है HDFC बैंक। दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ से अगर तेज़ी आती है तो पहला टारगेट क्या अचीव हो सकता है HDFC बैंक में। तो हम आपको बता दें, अगर यहाँ से फिर से एक बुलिश मूवमेंट आता है तो सबसे पहले 1470 रुपये का टारगेट अचीव होगा, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो 1470 रुपये का ऊपर के लिए टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट जो है वो भयंकर देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है वो नीचे ही नीचे जाता हुआ जा रहा है। ये हो रहा है दोस्तों सेलिंग प्रेशर की वजह से, एक पैनिक सेलिंग मोमेंट यहाँ पर HDFC बैंक में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं राय बताऊं दोस्तों, इस समय तो फ्रेश बाइंग बनता बिल्कुल नहीं बनता दोस्तों, थोड़ा आपको वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग करने के लिए। जैसे ही फ्रेश बाइंग का मौका आता है हम एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे HDFC बैंक के लिए। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।